किसी छोटी सी बात पर नाराज होकर एक राजा ने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। उनके इस अहंकारपूर्ण कार्य को देखकर राजपुरोहित को बहुत बुरा लगा और उनका साथ छोड़ दिया। धीरे धीरे यह बात पूरे राज्य में फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। वे कहने लगे कि जो राजा सरल स्वभाव वाले अपने स्वजनों की रक्षा नहीं कर सकता, वह प्रजा की रक्षा क्या करेगा। लोग राज आज्ञाओं का भी उल्लंघन करने लगे। इस स्थिति का लाभ उठाकर पड़ोसी राजा ने हमला कर दिया। राजा सेना लेकर शत्रु का मुकाबला करने चल पड़े। रास्ते में एक महर्षि का आश्रम आया तो राजा उनसे मिलने के लिए रुके। पहले तो महर्षि ने राजा के अनुरूप स्वागत की तैयारी की, लेकिन जब पता चला कि राजा ने पत्नी का त्याग कर दिया है तो उन्होंने उनकी आवभगत एक आम नागरिक की तरह की। राजा को यह बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने इसका कारण पूछा तो महर्षि ने कहा, राजन, पत्नी का त्याग अधर्म है। राजा होने के नाते आपको गृहस्थ जीवन में भी आदर्श पेश करना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। महर्षि की बात सुन राजा ने रानी को बुलाकर अपने खराब व्यवहार की क्षमा मांग ली। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दूसरों से अच्छा व्यवहार करें, तभी लोग आपके कार्यों को महत्व देंगे। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी। इसी प्रकार की और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।